ऑलराइट, व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मंडे है, आज बाइक नहीं मिली तो हम बाइक में नहीं करेंगे आज ब्लॉगिंग। आज हम जिम जा रहे हैं, सो ट्राई टू थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ जिम में, जो मैं थोड़े बहुत वर्कआउट करता हूँ मैं सबकी रिकॉर्डिंग कर लूँ। फिलहाल मैं बना रहा था यूट्यूब वीडियो, अपनी लास्ट ब्लॉग बना रहा था, अपलोड कर दिया है, होपफुली आपने देख लिया होगा। चलिए जिम की तरफ चलते हैं, लेट्स सी आज का वर्कआउट कैसा होता है हमारा। ऑलराइट गाइस, सो जैसा मैंने कहा था जिम की तरफ जा रहा था मैं, और जिम के रास्ते में पार्क पड़ता है तो मैं थोड़ा तो पार्क दिखाता हूँ आपको। सो हेड इज राइट। सो पार्क से निकलने के बाद मैं पहुंचा जिम, एंड आई स्टार्टेड विद अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड ऑल, थोड़ा सा वार्म अप किया, एंड देन बेंच प्रेस किया मैंने, स्लो एंड स्टेडी, कंट्रोल वेट्स, कंट्रोल रेप्स किए, एंड देन यू नो आई ट्राई टू डू एट लीस्ट 8 to 10 रेप्स। सो अगर बीच में थोड़ा हल्का सा रेस्ट भी लेना पड़े तो मैं ले लेता हूँ, जस्ट लाइक राइट नाउ थोड़ा रेस्ट लिया, एंड देन गॉट बैक इन टू डूइंग द रिमेनिंग रेप्स। कॉपीराइट तो नहीं आने वाला ना इस म्यूजिक से, आई होप ना आए। लॉल राइट। सो आफ्टर दैट हमने किया इनक्लाइन डंबल प्रेस, ये भी सेम एक्चुअली हर एक्सरसाइज में यही रखना चाहिए कि स्लो एंड स्टेडी रेप्स होने चाहिए, वेट कंट्रोल रहना चाहिए, यू डोंट वांट एनी इंजरीज, सो कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेप्स आप 8 से 10 रेंज कहीं भी जाओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी अनुलोम प्रेस, सेम थिंग हियर टू, जो मेन फोकस रहता है तो अभी नहीं सेम रहता है इतनी बारी बोलो लोग और कुछ ही नहीं बोले के लिए। उसके बाद आफ्टर डूइंग द वर्कआउट, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता मैं, थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई थोड़ा लटकने का काम करता हूँ ना, थोड़ा ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेचिंग टाइप से ज़्यादा है, एंड देन लटकते टाइम आई डू अ लिटिल बिट ऑफ कोर, यू नो मे बी फ्यूचर में थोड़ा अच्छा कैलिस्थेनिक्स भी करने लग जाऊँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड दैट वॉज बेसिकली व्हाट आई डिड थ्रू आउट द डे टुडे, सुबह से शाम तक कुछ स्पेशल किया नहीं, गर्मी बैठा था, एंड देन आई वेंट टू द जिम, दैट वाज द ओनली टाइम आई कुड रिकॉर्ड माय सेल्फ, थोड़ा रिकॉर्ड किया आफ्टर द जिम, मेरा दोस्त वैसे ही